आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि करेला खाना क्या आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ होता है या नहीं। देखिए, वैसे तो करेला बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इसमें केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्पेशली इसके बीज में कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं माना जाता है। खाने से क्या परेशानियाँ होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो के समय बने रहिएगा अगर आप करेले की सब्जी खाने का सोच रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो बोला जाता है कि करेला जब आप ज़्यादा खाते हैं तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा बोला जाता है कि आपका पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक एसिडिटी, जलन, ठीक है, पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम काफ़ी सारी देखने को मिलेगी आप करेला कंजम्पशन करते हैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे। बोलते हैं कि अगर आप करेला अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा खाते हैं तो आपके बच्चे का वज़न जो है वो काफ़ी कम होता है, और जन्म दोष जो होते हैं बर्थ के टाइम पे कई बच्चों में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है गर्भपात होने का, मिसगैरेज होने का भी खतरा बढ़ जाता है जब आप करेला ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपके ब्रेस्ट में मिल्क बनना तभी से ही शुरू हो जाता है, और आपकी जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें प्रॉपर मिल्क बनना प्रॉपर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप करेला अपनी डाइट में काफ़ी इंक्लूड करते हैं तो ये जो मिल्क बनने का प्रोसेस है ये भी अच्छे से नहीं हो पाता, और बच्चे के लिए सफिशेंट मिल्क नहीं बन पाता है। तो ये इसके कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल प्रेगनेंसी केयर इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें।